यूपी के जनपद अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी वायुसेना में तैनात जवान गुरविंद्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना पर गांव सहित आसपास के गांव में भी मातम छा गया। आज सुबह सेना की टुकड़ी ने जवान को आखिरी सलामी दी और राष्ट्रध्वज व पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। जवान के अंतिम संस्कार में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक दल के किसी नेता के न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी गुरविंद्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह वायुसेना में करीब 15 वर्ष पूर्व भर्ती हुए थे। उनकी पोस्टिंग पंजाब के अंबाला शहर में थी। गुरविंद्र अपनी पत्नी तथा बेटा व बेटी के साथ कार से अपने घर आ रहे थे। बताते हैं कि पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ौत के नज़दीक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक डंपर में घुस गई। हादसा इतना गंभीर था कि जवान गुरविंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर अवस्था में घायल उनकी पत्नी वंकेश उर्फ मधु को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक जवान गुरविंद्र सिंह के चाचा डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय दोनों बच्चे पिछली सीट पर सो रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरविंद्र का कल 34वां जन्मदिन था। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ 12 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा था। गांव पहुंचकर वायुसेना की टुकड़ी ने जवान के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आसपास गांव के हजारों लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक दल के किसी नेता के न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।